हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर वेल सो टुडे वी हैव ब्रॉट आ न्यू लेसन फ्रॉम योर मेंटल एबिलिटी द टॉपिक नेम इज़ सीरीज विच मींस श्रृंखला एंड पेज नंबर नाइन एंड टेन पार्ट वन सो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंटल एबिलिटी से लेसन नंबर टू जिसका नाम है सीरीज़ यानी हिंदी में बोले तो श्रृंखला अब सीरीज और श्रृंखला क्या होती है एक क्रम से आगे बढ़ना एक सीरीज़ में आगे बढ़ना ठीक है एक श्रृंखला में आगे बढ़ना ठीक है ये होता है सीरीज़ ठीक है तो आप इसको और अच्छे तरीके से जानेंगे जब हम इसके पेज पेजेस को सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं लेट्स मूव टू आवर टॉपिक सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक सीरीज़ क्लियर सीरीज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट सीरीज़

में अरेंज किया होता है ठीक है उसी पैटर्न को उसी पैटर्न को समझते हुए हमें अपने आंसर तक पहुंचना होता है उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है उसी पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करके उसको जानना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें और उसी पैटर्न को हमें आगे ले जाके देखना होता है कि हमारा आंसर क्या आएगा इज दैट क्लियर तो चलिए शुरू करते हैं दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एज यू सी here we have a problem set this one clear and here we have a answer set so first you observe problem set clear and after that you have to find the answer from answer set clear okay so our first question is this a d g j so as you see देर इज़ समटर्स आर मिसिंग फ्रॉम एवरी बॉक्स इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें लेटर मिसिंग है हर एक अल्फ़ाबेट के बीच के वो देखते कितने कितने लेटर मिसिंग हैं तो देखते हैं ए बी सी दो लेटर मिसिंग हो गए यहाँ तक पहुँचने में ठीक है आगे देखते हैं डी के बाद डी ई एफ यहाँ पे भी दो लेटर मिसिंग है जी आ गया और जी के बाद जे है तो जी एच आई यहाँ पे भी दो लेटर मिसिंग है तो ये तो पता चल गया कि हमें कितने लेटर मिसिंग हैं तो अगर हम जे के बाद देखें यानी अगर हम यहाँ देखें यहाँ के बाद जे के बाद तो जे के बाद अगर हम दो लेटर को मिसिंग कर दें जे के एल ये कर दिए हमने दो लेटर मिस तो आंसर हमारा क्या आएगा एम क्या आएगा एम आएगा तो so, हमारा ऑप्शन ठीक ऑप्शन क्या है अप्रोप्रियट आंसर क्या है हमारा दिस वन एम क्लियर समझ में आया वेरी गुड सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन दिस वन क्लियर ओके सो स्टूडेंट्स प्लीज ऑब्जर्व दिस पैटर्न एस टी यू वी इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट बिकॉज नो लेटर नो लेटर इज मिसिंग ओके okay, कोई भी लेटर यहाँ पे मिसिंग नहीं है एक बिल्कुल सीरीज चल रही है देखिए एस टी यू वी सो क्या आना चाहिए व्हाट कम्स आफ्टर बी डब्ल्यू क्या आना चाहिए डब्ल्यू सो आवर आंसर इज आवर आंसर इज बी डब्ल्यू क्लियर वेरी गुड ओके सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन दिस वन सो हेयर यू सी एम एन आफ्टर दैट एन एम क्लियर एम एन ओ इज़ मिसिंग ओ इज़ मिसिंग ओ नहीं है बीच में देखिए यहाँ पे एम एम एन तो एन एम को रिवर्स कर दिया इसमें ठीक है फिर ओ मिसिंग है फिर सीधा आ गया पी क्यू और क्यू पी को रिवर्स कर दिया तो अगर हम इसी तरीके से देखें इसी पैटर्न को देखें हम सो एम एन एन एम ओ मिसिंग सो पी क्यू क्यू पी तो क्यू के बाद आता है आर तो अगर हम आर को यहाँ से मिस कर दें आर को मिस कर दें तो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ क्या आ जाएगी एस टी एस टी आंसर आना चाहिए तो देखते हैं हमारा आंसर सेट में एस टी है कहीं पे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है तो स्टूडेंट्स आई थिंक आई थिंक देर इज़ अ मिस प्रिंट ठीक है यहाँ पे अगर हम अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तब तो क्या हम इसमें सीरीज़ में, इस में, इस में, इस में पैटर्न फॉलो हो रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा आंसर आएगा एस टी बट वो तो आंसर में नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आपका ये मिसिंग है और आपको यहाँ पे चेंज करना है आप इसको आर एस को यहाँ पे एस टी लिख सकते हैं यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है थर्ड क्वेश्चन में मिस प्रिंट है क्लियर क्लियर तो हमारा आंसर आना चाहिए थर्ड में एस टी क्लियर ओके थैंक यू सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्लियर देखिए ए सी बी डी सी ई डी ई अगर आप पहला पहला अल्फाबेट देखें अगर हम पहला अल्फाबेट यहाँ पर देखें हर एक में तो स्टूडेंट्स यहाँ हर एक का अगर हम पहला फर्स्ट अल्फाबेट देखें सो सी ए बी सी डी फर्स्ट लेटर ओनली ए बी सी डी तो बिल्कुल कंटिन्यू सीरीज़ है तो फर्स्ट लेटर हमारे आंसर में क्या आना चाहिए ई क्लियर क्या आना चाहिए ई e. और अगर हम सेकेंड वाला अल्फाबेट देखें तो हर एक में देखिए सी डी ई एफ तो क्या आना चाहिए जी यानी फर्स्ट लेटर हमारा आया था ई e, और सेकेंड वाला आना चाहिए हमारा जी तो हम इसमें आंसर सेट में कहीं पे है ई e और जी ये रहा ये रहा बी ठीक है

पेज ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर टेन क्लियर वी हैव टू सॉल्व दिस सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस दिस वन गिव नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू लेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी जो क्वेश्चन नंबर वन और टू है वन और टू हमें ये दो बॉक्स जो है वो क्या करने हैं फिल करने हैं अगले दो बॉक्स क्या करने हैं फिल करने हैं इज दैट क्लियर सो फर्स्ट Uh, हम पहला हम खुद सोल्व करेंगे ठीक है पहला मैं सोल्व करके दिखाता हूँ सेकेंड आपको करना है इज़ दैट क्लियर ओके सो आवर फर्स्ट पैटर्न इज़ के के एल एल एम एम सो व्हाट कम्स नेक्स्ट क्या आएगा आगे देखिए बिल्कुल सिंपल सा है के यानी दो बार के के दो बार हम इसमें बॉक्स में के और के आया हुआ है फिर उसके बाद अगला अल्फाबेट आता है के के बाद एल वो भी दो बार है उसके बाद एल के बाद एम आता है वो भी दो बार है तो वट कम्स आफ्टर एम यानी एम के बाद क्या आएगा एम के बाद क्या आएगा एम के बाद आएगा एन क्लियर तो हमें यहाँ पे क्या करना है एन फिल करना है दोनों में और हमारा ये जो आंसर ये करेक्ट आ जाएगा क्लियर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं यहाँ यहाँ पे आपको फिल करने हैं जो खाली बॉक्स आपको दिए गए हैं जो मिसिंग है इज दट क्लियर वेरी गुड सो सेकेंड वन आप ये सोल्व करेंगे क्लियर वेरी गुड सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इसमें भी क्या दिखा रखा आपको देखिए ध्यान से गिव नेक्स्ट थ्री अल्फा न्यूमेरिक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी आपको अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि जिसमें आपके साथ जिसमें आपको अल्फाबेट भी दे रखे हो और न्यूमेरिकल जो है कोई भी वैल्यू दे रखी हो जिसमें आपको ए बी सी डी का भी कोई आ, लेटर मिले और नूमेरिकल वैल्यूज़ में यानी आपकी जो काउंटिंग्स होती हैं उसमें से भी कोई मिले तो उसको हम बोलते हैं अल्फा नूमेरिक्स क्लियर तो आपको थ्री जो बॉक्सेस है उनको फिल करना है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ये देखिए ये वाले क्लियर सो थर्ड आपको हम करके दिखाएंगे फोर्थ आपको खुद करना है सो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन ए ए वन बी वन सी थ्री डी फोर ई फाइव एफ सिक्स

जी के साथ आएगा सेवन एच के साथ एट एंड आई के साथ नाइन क्लियर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड इनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जी के साथ सेवन एच के साथ एट और आई के साथ नाइन तो ये आपको कहाँ पे फिल कर देना है इन बॉक्सेस में फिल कर देना है क्लियर वेरी गुड फोर्थ वन आप खुद करेंगे क्लियर ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट एंड नाइन्थ फिल इन दी बॉक्सेस द स्टेटमेंट इज़ फिल इन दी बॉक्सेस यानी आपको जो ये खाली बॉक्स है इनको आपको फिल करना है जो आपको ब्लैंक्स बॉक्स है आपके जो खाली बॉक्स है उनको आप, आपको क्या करना है फिल करना है क्लियर सो और फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस लेट्स ऑब्जर्व द पैटर्न ए बी सी बी बी सी डी इट्स मिसिंग डी डी ई एफ ई एफ एच एच आई जे जे के एल तो ये तो बात यहाँ से क्लियर होगी बच्चों कि जो फर्स्ट लेटर आएंगे यानी पहले जो दो लेटर हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ पे है आपका ए ए यहाँ पे है बी बी तो इस बॉक्स में क्या आएगा इस बॉक्स में जो पहले दो लेटर आएंगे वो आएंगे सी सी ये तो हो गया क्लियर क्लियर वेरी गुड बट अब पीछे के जो दो लेटर हैं उनको देखते हैं बी सी सी डी यानी बी के बी के बाद सी फिर अगला जो बॉक्स है उसमें सी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सी डी तो अगले बॉक्स में भी किससे शुरू होना चाहिए डी और ई e आना चाहिए यानी हमारा अगर इस बॉक्स का पूरे का देखें तो आंसर बनना चाहिए हमारा ए ए बी बी यानी सी सी तो दो बार आएगा और डी ई e आएगा लास्ट में तो ये इस बॉक्स का तो हो गया क्लियर ये हो गया ओके okay. यानी इसका आंसर क्या आ गया इस बॉक्स का सी सी डी ई क्लियर ये हो गया इस बॉक्स का अब हमें ढूंढना इस बॉक्स का तो इसमें भी बेटा सेम पैटर्न जो है ऑब्जर्व करना है देखिए ए ए बी बी सी सी डी ई डी डी ई तो यहाँ पे आना चाहिए ई e के बाद क्या आता है लगातार एफ तो दो बार आएगा स्टार्टिंग में एफ क्लियर अब पीछे के जो अल्फाबेट्स को उसको देखते हैं ई एफ जी एच तो क्या आना चाहिए जी एच क्लियर तो ई e, e और एफ एफ तो पहले आ गए थे ठीक है और उसके पीछे लगा देना आपको जी एच क्लियर ई एफ जी एच ई एफ एफ जी जी एच क्लियर तो हमारा इस बॉक्स का आंसर ये आ जाएगा एफ एफ जी एच क्लियर हो गया बेटा अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं ठीक है आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम्स हमें सेंड कर सकते हैं और हम आपको और भी अच्छे से समझा देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्लियर सो लेट्स मूव टू आवर सिक्सथ क्वेश्चन दिस वन ओके बहुत आसान है इट्स वेरी ईजी जितनी भी आपके आगे क्वेश्चन आ रहे हैं बस आपको इनका रीजन फाइंड आउट करना है और ईजीली आंसर निकल जाएंगे ठीक है आपको बस इसमें रीज़न ढूंढना है इनके रीज़न क्या है इसके पीछे क्या छिपा हुआ है तो अब यहाँ पर अगर अगर हम देखें सिक्स क्वेश्चन में तो आप देख रहे होंगे ए एम बी एम सी एम ई एम एफ एम एच एम हम, यानी ये तो बिल्कुल सीरीज चल रही है भाई यानी अल्फाबेट स्टार्टिंग का बदल रहा है पीछे वाला सेम है देखो ए बी सी ई एफ एच यानी आगे का अल्फाबेट तो बदल रहा है लेकिन पीछे का अल्फाबेट बिल्कुल सेम है देखो एम 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 है ना तो अगर हम देखें अब इसी इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं ए एम बी एम सी एम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेरी गुड पता है आपको तो डी एम क्लियर और अगर इस पैट इस बॉक्स में देखें इस वाले बॉक्स में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई e एफ के बाद क्या आता है जी एम क्लियर ये तो बहुत सिंपल हो गया है ना तो ये आप सोल्व कर लोगे ना वेरी गुड तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वेरी गुड यहाँ पे बढ़ते हैं आगे सेवन्थ सेवनथ वाला और करते हैं यहाँ पे देखिए ए ए सी सी डी डी ई ई जी जी एच एच ये तो बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है और वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है क्लियर तो ए ए के बाद क्या आएगा इस बॉक्स में ए ए के बाद आता है बी बी तो ये हो गया इसका आंसर सी सी डी डी ई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा बताइए क्या आ जाएगा एफ एफ क्लियर वेरी गुड आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा एंड जो अब इसमें जो बाकी बच गए हैं बेटा वो आपको खुद से सोल्व करने हैं ओके एंड इफ यू फेस इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर सब्जेक्ट देन यू कैन आस्क ओके क्लियर सो जो इसमें बचे हुए हैं वो आपको खुद से सोल्व करने हैं ओके थैंक यू बेटा हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू गुड डे थैंक यू